उस अंग्रेजी शिक्षक एवं सरकारी सेवक वर्ग में से ही वासुदेव बलवंत और उन और उसके क्रांतिकारी अनुयायी आए आगे आगे आए। अंग्रेजी राज उलटकर मातृभूमि को स्वतंत्र करने और उस स्वतंत्र हिंदुस्तान में प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना करने के लिए हम शस्त्र उठा रहे हैं, ऐसी घोषणा उस समय की भारतीय नेताओं को असभ्य आवाज और आवाज से लगने लगी थी लगने वाली थी। पर अंग्रेजों की एक मिनट एक कॉल आ रहा है। उसमें भी परिस्थिति ऐसी थी, कूका आंदोलन की स्थानीय सहायता और सद्भाव न मिलने के कारण तेरी भी चुप मेरी भी चुप के बहाने अंग्रेज उस विद्रोह का उल्लेख कहीं न करके छुपाने में सफल हो गए। इस कारण सशस्त्र विद्रोह की परंपरा पंजाब में नहीं समाप्त हुई, परंतु महाराष्ट्र में रामोशी किसान तथा पशुपालकों से लेकर स्वयं से कहलाने वाले बड़े बड़े और धनवान नेताओं तक अपनी अपनी तरह से वासुदेव बलवंत को देशवीर के रूप में सम्मान और मान्यता दी। इन सब कारणों से इस सशस्त्र विद्रोह का हल्ला गुल्ला न केवल स्वदेश में बल्कि विलायत में भी हुआ और इस कारण सशस्त्र क्रांति की परंपरा महाराष्ट्र में जड़ जमा सकी। इतना हमने ये एक प्रकरण पढ़ लिया है, अभी आगे भी पढ़ना है क्या? हाँ पढ़ सकते हैं। हाँ तो मैं 2 मिनट में ठीक है। प्रकरण 9 वासुदेव बलवंत का सशस्त्र संघर्ष। आवाज क्लियर है? हाँ। अंग्रेजी सत्ता पर प्रतिक्रिया। हिंदुस्तान का राजकाज जिन नगर और सैनिक ब्रिटिश हिंदुस्तान का राजकाज जिन नगर और सैनिक ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में रहता था, उनमें से दंड नैतिक वर्ग भी इस राजनीतिक विद्रोह से भयभीत हुए बिना न रह सका। राज्य व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया, यह उन्होंने मानना पड़ा। किंतु सदैव ऐसी हाथ लगाते रहना उस वर्ग के लिए कठिन हो गया था। अंग्रेज अधिकारियों के दूसरे वर्ग जो पहले से ही दंडाशाही वर्ग को देखो सावधान रहो नहीं तो फिर सन 1857 की भांति प्राण संकट में रहेंगे कहता आ रहा था, तो अपनी दूरदृष्टि की शान बघाड़ने और हिंदुस्तान का राजकाज अपनी कहीं कूटनीति से चलाने का अवसर वासुदेव बलवंत के सशस्त्र विद्रोह के कारण प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र में जिस वर्ग को ब्रिटिश निष्ठ वर्ग समझते थे, उस अंग्रेजी शिक्षित वर्ग में ही ब्रिटिश विद्रोह कनप रहा है। यह तथ्य सशस्त्र विद्रोह से स्पष्ट हो जाने से सारे ब्रिटिश कूटनीतिक भयभीत हो गए थे।
वह ब्रिटिश विद्रोह का युद्ध अन्य प्रदेशों के ब्रिटिश अंग्रेज शिक्षित वर्ग में न फैल पाए, इसके लिए उन्होंने तत्काल काम दाम दंड भेद का मायाजाल फैलाना शुरू कर दिया। ऐसे एंग्लो इंडियन वर्ग के नेता थे ए ओ ह्यूम साहब का चरित्र उनके वर्ग के उनके एक साथी ने लिखा है। इस चरित्र में ह्यूम की उस समय की वैचारिक दशा का यह चित्र हमें देखने को मिला है। Looking over India during the period of the help of information or at the Hume's disposal, he had served as chief secretary of the Viceroy. Hume became convinced that concerted action by responsible friend of India was necessary to counteract dangerous current of opinions and to turn the gathering political consciousness of education Indians of educated Indians into Pacific and food. When Leighton left in 1888, the country after a serve during the famine, entire was an administrative vagarized had combined to produce a mass of public feeling. The outlook was exceedingly distressing. Hume realized that the existing government administrated the foreign officials on autocratic lines was dangerously out of tune with the people. There was a great gulf between the foreign bureaucracy self-centered on the heights of Shimla and the millions living on the plain below. And about the year 1878-79, economic combined with political troubles were actively at work throughout India. While in schools and colleges, the leaving of Western education was working among the intellectual teaching. Lessons of political history, and now it was only storm and stress that British people had won for themselves the blessing of freedom. Hume knew there was imminent risk of popular outbreak of this. Indian leaders were blissfully ignorant. The new wine was fermenting in old bottles, and that any time the bottles might burst. These existed no recognized channels of communication between the rulers and the rulers and the ruled. The absence of this found the government unprepared to meet the emergency in 1857. उपर्युक्त उदाहरण का अनुवाद देने की आवश्यकता नहीं। इन अंग्रेज कूटनीतिज्ञों के विचारों के संबंध में हमने पहले जो कहा वही इसमें कहा गया है। केवल उसे उनके अपने शब्दों का आधार होना चाहिए, इसीलिए हम लोग रोक उद्धरण दिए। उसमें वासुदेव बलवंत के सन 1878 79 के सशस्त्र विद्रोह और सत्तांतरण का स्पष्ट उल्लेख है। अंग्रेजी सत्ता को वास्तविक डर ऐसे ही सशस्त्र क्रांतिकारी विद्रोह का है। ऐसे साधनों की ओर भयभीत लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए उनकी दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या क्या लालच दिया जाए। अंग्रेजी सत्ताधिकारियों और कूटनीतिज्ञों की यह चिंता उपर्युक्त उद्धरण में स्पष्ट है। इस संबंध में अंग्रेजी सलाहकारों के बीच गहन चर्चा के उपरांत यह तात्कालिक गुप्त नीति निश्चित की थी कि अंग्रेजी शिक्षकों एवं सरकारी सेवकों का जो एक ब्रिटिश में प्रभावी संपन्न और मुखर वर्ग हिंदुस्तान सभी प्रांतों में अस्तित्व में है, उसे संगठित करने के लिए उनकी एक अखिल भारतीय संस्था स्थापित की जाए। इस ब्रिटिश मिश्रित भारतीय संस्था के हाथों से ही जनता में उदित हो रही क्रांतिकारी प्रवृत्ति की पुरानी जड़ें आसानी से खोज कर निकाली जा सकती और नए अंकुर पैदा होना असंभव किया जा सकता, ऐसा विश्वास अंग्रेजी कूटनीतिज्ञों को हो गया था। अतः इस वक्त के तस्वीर ने सन 1883 में सरकारी सेवा से मुक्त होते ही यह काम अपने हाथों में लिया। पहले उन्होंने हर प्रांत के ब्रिटिश भारतीय नेताओं से अपने मन की बात बाते हुए विचार विनिमय किया। वो समय देश में स्थापित हो चुकी है यह स्थापित हो रही भारतीय राजनीतिक संस्थाओं का भी अनुमान उन्होंने लगाया। ऐसी संस्थाओं में आयु और कर्तव्य से अग्राधिकार प्राप्त संस्था भी पुणे की सार्वजनिक सभा
दाइश आप ईरानले प्रवृत्ति अनेक अमरीकी सबसे बड़े नेताओं ने सन 1877 में राजनीतिक संस्था स्थापित की थी। लोगों में बड़े प्रेम और आदर से जगत काका कहलाए जाने वाले वासुदेव जोशी उस सभा के सबसे कर्मठ देशभक्त कार्यकर्ता थे। उनका पूरा जीवन मानुषी सभा के लिए समर्पित था। वासुदेव बलवंत फड़के भी उस सभा में थे। पूरी भाषणबाजी से अपना मन उठ जाने के बाद लोकसभा के सक्रिय कार्यकर्ता थे उठ जाने तक लोकसभा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वैसे तो वह संस्था विधि की मर्यादाओं में कार्यरत संस्था थी, पर सन 1874 में उसने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया था जो उस समय किसी भी कार्यरत राजनीतिक संस्था को नहीं सुन रहा था। प्रस्ताव था कि हिंदुस्तान के प्रतिनिधि ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिए जाएं और भारत का राजकाज उनके विचार से कराया जाए। इस सार्वजनिक सभा के अनुकरण में बम्बई के फिरोजशाह मेहता तैलंग तैयब जी आदि तत्कालीन नेताओं ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक संस्था स्थापित कर राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ किया। उसमें भी रानड़े का सहयोग था। मद्रास में इसी तरह संस्था महाजन सभा सन 1881 में और बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में लीग नामक संस्था स्थापित हुई। भविष्य में इन प्रादेशिक संस्थाओं के किसी अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म होने की संभावना थी। पुणे और बंबई में उसके लिए चर्चाएं भी शुरू हो गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सन 1883 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। इसकी शाखाएं हिंदुस्तान भर में खोलने के उद्देश्य से पंजाब का एक प्रचार दौरा भी उन्होंने किया था। बाद में कांग्रेस की स्थापना हो जाने पर यह संस्था कांग्रेस में भी विलीन कर दी। केवल भारतीय नेताओं की अगुवाई से ऐसी कोई संस्था स्थापित हो यह बात अंग्रेज कूटनीतियों को पसंद नहीं थी। वैसे उन्हें स्वयं लेना था और दूसरा यह कि सुरेंद्रनाथ जैसे कितने ही विशिष्ट नेताओं पर थे तो वे भारतीय ही केवल भारतीय नेताओं के हाथों वाली संस्था की तुलना में एंग्लो इंडियन अधिकारियों के नियंत्रण में की संस्था पर ब्रिटिश राज की अध्यक्षता बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपना ब्रिटिश अधिकारियों की दृष्टि में अधिक निरापद था। इसीलिए सन 1884 में ही ह्यूम साहब जो जल्दी से मिल सकते थे ने ऐसे सहयोगियों को घेर कर उपरोक्त नीति के आधार पर एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था स्थापित करने की टोंडी का चारों तरफ फुटवा दी। उस संस्था का नाम रखा थी इंडियन नेशनल यूनियन, जिसकी मूल प्रतिज्ञा थी अनसर्विंग लॉयल्टी इन द क्राउन, ब्रिटिश राजनीतिक के प्रति अडिग निष्ठा। संस्था पर विरोध बनाए रखने की ब्रिटिश अधिकारियों की इच्छा का विरोध किसी भारतीय नेताओं ने नहीं किया। हाँ, ब्रिटिश वायसराय द्वारा इस योजना का विरोध हुआ। मैं आश्चर्यजनक समाचार में आगे दूंगा। कल तक ब्रिटिश सत्ता के बड़े बड़े पदों पर आसीन होकर जो भूम शासन चलाते थे उन्हीं भूम की सेवा में निवृत्त होते ही भारतीय प्रजा का पक्ष लेकर लोक कल्याण के लिए उनके साथ आगर मिलना और भारतीय प्रजा की अगुवाई स्वीकार करने की कृपा करना ब्रिटिश ने अंग्रेजी शिक्षित भारतीय लोगों के लिए बड़ी उदारवादी घटना थी। इसलिए उन्होंने ऐसे अधिकारियों पर धन्यवाद और अभिनंदन की खूब वर्षा की। इस संस्था के संविधान में ब्रिटिश राजनीति के प्रति अडिग निष्ठा की जो धारा ह्यूम साहब की योजना में थी वह इन भारतीय नेताओं की स्वयं निष्ठा का पुनरुच्चार ही था। ह्यूम साहब की ओर से यदि वह धारा नाज भी जोड़ी जाती तो भारतीय देशभक्त स्वयं उसे जोड़ देने का कार्य करते, क्योंकि वह उनकी इच्छा थी, बंधन नहीं। इस अंतराल में ह्यूम साहब ने अपनी योजना और अपने हमने पहले जिसकी चर्चा की उसके निहित उद्देश्य के संबंध में सरकार की मंत्रिपरिषद के उच्च पदासीन अंग्रेजी अधिकारियों और उस समय के वायसराय जॉर्ज डफरिन आदि से गुप्त विचार विनिमय किया था। इस अखिल भारतीय संस्था का स्वरूप केवल राजनीतिक न होकर सामाजिक भी हो इस संबंध में गहन चर्चा अंग्रेज नीतिज्ञों ने की थी, परंतु लॉर्ड डफरिन का आग्रह था इस संस्था का स्वरूप राजनीतिक ही होना चाहिए। उसी तरह वह भी निश्चय किया गया कि ह्यूम साहब ने जल्दी जल्दी में प्रयोग हेतु जिस संस्था की स्थापना की घोषणा की है उस इंडियन नेशनल यूनियन का विसर्जन कर उन्हीं नीतियों के आधार पर
और आधिकारिक भारतीय नेताओं को लेते हुए तथा उनकी पूरी सहमति प्राप्त करके करते हुए अखिल भारतीय स्वरूप की एक नई संस्था स्थापित की जाए जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है। वायसराय की प्रेरणा और आशीर्वाद से जन्मी कांग्रेस के आगे पीछे ब्रिटिश नेतृत्व के हाथों से निकल जाने की संभावना यथाशक्ति संभव करने के लिए ह्यूम साहब ने सुझाया कि इस नई संस्था के वार्षिक अधिवेशन में संस्था का अध्यक्ष पद उस प्रांत के गवर्नर को दिए जाने की पद्धति विकसित की जाए जहाँ अधिवेशन हो, परंतु लॉर्ड डफरिन ने यह योजना स्वीकार नहीं की क्योंकि उन्होंने इस नई राजनीतिक संस्था की योजना को जिस उद्देश्य से प्रेरित किया था वह उद्देश्य उस तरह सीधे सीधे सरकारी संस्था बनाने सफल नहीं होना था। गवर्नर जैसे बड़े अधिकारी संस्था के अध्यक्ष बने रहने पर सामान्य जन नहीं सोचते कि यह सरकारी संस्था है और फिर भारतीय जनता पर उसका प्रभाव विपरीत पड़ता है। यदि उसका अध्यक्ष पद जनता के देशभक्त नेता को दिया जाता और फिर भी ब्रिटिश राज हिंदुस्तान के कल्याण के लिए किराए हो आदि घोषणाएं होती रहेंगी तभी यह भारतीय जनता की अधिक संस्था हो पाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह था कि भारतीय लोगों द्वारा गाये जाने वाली स्थिति की यूरोप अमेरिका आदि की जनता के आगे गवाह कर ब्रिटिश साम्राज्य की वाहवाही दुनिया भर में फैलाना नहीं अधिक सरल होगा। यह किस प्रकार संभव था इस पर विचार करते हर प्रांत के सारे ब्रिटिश नेतृत्व लोगों जिनमें नेता सेवा निर्गत छोटे बड़े ब्रिटिश और भारतीय अधिकारी राजनीतिक संस्थाएं देश के प्रमुख विधि व्यवसायी डॉक्टर संपादक गुप्ताधीश और विद्याधीश थे ने नई संस्था में सम्मिलित होने के वचन दिए। उसका पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित करने का दायित्व कांग्रेस तेलंग यूथ फिरोज शाह आदि वहाँ के सामान्य नेताओं ने स्वीकार कर लिया। उसका अध्यक्ष पद किसे दें किसको दें किसी शासकीय अधिकारी को नहीं दें। यह बात लॉर्ड ने पहले स्पष्ट कर दी थी इसीलिए हेन साहब ने स्वयं की टिकट पर भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया। उन भारतीय नेताओं ने लॉर्ड डफरिन से निवेदन किया कि नई भारतीय संस्था के पहले अधिवेशन के लिए हम बंबई प्रांत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वे का ही चयन कर रहे हैं अतः अपनी सहमति देने की कृपा करें। लॉर्ड डफरिन ने फिर से स्पष्ट तौर पर उस अनुरोध को अस्वीकार करते सूचित किया कि जन्म ले रही इस हिंदुस्तानी संस्था का अध्यक्ष पद किसी हिंदुस्तानी व्यक्ति द्वारा ही स्वीकार किया जाना उचित होगा। सरकार यही समझती है ऐसा क्यों इस गुप्त विषय पर लॉर्ड डफरिन ने कुछ भी नहीं कहा परंतु इस हिंदुस्तानी भोली जनता को ऐसा लगा कि ब्रिटिश लोक सत्ता की परंपरा के अनुयायी होने के कारण ही हम पर भरोसा कर रहे हैं और यह सोचकर क्योंकि बड़े भी प्रभावित और संतुष्ट थे भारतीय नेता कह रहे थे कि हमें ब्रिटिश नेतृत्व भी चाहिए। ब्रिटिश वायसराय कह रहे थे रहने दें भारतीय नेतृत्व भी कांग्रेस की शोभा बढ़ाएगा। इस तरह ह्यूम आदि साहबों का खेल रंग लाने लगा। सन 1860 से 1884 तक की कालखंड में अलग अलग प्रांतों में राजनीतिक परिवर्तन किस तरह होता गया यहाँ तक हमने यही बात विशेषकर कही और इस ग्रंथ की पृष्ठभूमि के लिए जो आवश्यक था उसका विश्लेषण भी किया। अब हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर सन 1895 के अंत तक की राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण करना है। आज हम इतना ही रहने देते हैं। वासुदेव फड़के उनको पकड़ कर जहाँ रखा गया था वो सेल्युलर जेल ही था ना अच्छा मंडाले में था वो अंदन करके लिखा हुआ था वो उसका मतलब अंदन कौन सी जगह है जहाँ पे उनको रखा गया था वो अड़न लिखा था शायद एडन के लिए यूज किया होगा। अच्छा क्योंकि सेल्युलर जेल की जो हिस्ट्री है ना उसमें
मतलब 1800 के एंड में वो शुरू किया था, तो मुझे लगा कि पहले जो बैच वहाँ आई थी वो पढ़े ऐसे ही शुरू हो गई थी। मुझे ये पता इसमें नहीं क्या मेंशन क्यों किया था ऐसे ना लग उन रहा है। लोगों की वासुदेव कलबन पढ़के के जो साथी थे उन्हें काला हाँ पानी भेजा गया था, उसमें पढ़ा ना हाँ तो हाँ उनमें से कई लोग वही मर गए थे, ऐसा भी यहाँ मेंशन था। तो हाँ एक बार हम क्योंकि देखते गए मैं कि हाँ उनको कहाँ भेजा गया था। हाँ एडन ही भेजा गया था यमन में, उन्होंने हिंदी में अर्डन मेंशन किया है। अच्छा हाँ और उसमें हमने ये भी देखा कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो इनके अखाड़े से ही थे। तो वेदांत ये आपने रिकॉर्ड आखिरी 20 मिनट किया है जो हमने नया चैप्टर पढ़ा था? हाँ वो पूरा आ गया। हाँ ठीक है, वो आप डाल देना यूट्यूब पर। हाँ ओके और जो हमने पढ़ा उसका उसको कोई लिख के अगर ग्रुप में डाल दे तो सही रहेगा, इंग्लिश में डाल दे कोई, वरना मैं तो डाल ही दूंगा हिंदी में। ठीक तो कल हम सेशन इसी टाइम पर रखें या फिर थोड़ा लेट शुरू करें, 8 साढ़े 8 बजे? लेट तो नहीं, जल्दी हो सकता है तो जल्दी कर सकते हैं, लेट का पता नहीं क्योंकि तो यही टाइम रहने देते हैं 7:30। ठीक है हाँ ठीक है। हाँ, तो कल आप लोग सेशन ज्वाइन कीजिएगा, कल हम ये नहीं पढ़ेंगे, कल हम कोई और टॉपिक लेंगे, हमसे श्रद्धा निर्मूलन कथाओं में से। हाँ ठीक दो दिन टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, तो आज का सेशन में यही खत्म करते हैं। आप सभी इसको कल खत्म करिएगा, ठीक है, बाय बाय। बाय। हाँ